सभा अटेंड करते हैं, बोलते हैं ना लाचार मुख्यमंत्री की लाचार सभा थी वो। बहुत बड़े भाषण दिए गए और उस पे ना ही किसानों की बात की गई, ना ही बेरोजगारी पे बात की गई। और जो लोड शेडिंग पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में हर गली में हर जगह पे लोड शेडिंग बहुत बड़े प्रॉब्लम संकट में पूरा महाराष्ट्र है, ये खुद डिपार्टमेंट बोलता है, खुद मंत्री बोलते हैं, ना उस पे एक शब्द और एक टिप्पणी की गई। सिर्फ दूसरों के ऊपर बोलने के लिए वो सभा ली गई थी। ढाई साल मुख्यमंत्री कार्यालय में तो गए नहीं, एक दौरा उनके सुपुत्र ने कल बोला कि मुख्यमंत्री विदर्भ में गए, मराठवाड़ा में गए, एक दौरा एक भी किसान के खेतों में गए हैं क्या? बेरोजगारी के लिए कितनी मीटिंग्स, कितने डिसीजन ये सरकार ने और मुख्यमंत्री ने लिए, उन्होंने बताना चाहिए। और एक वीडियो, मैं ज्यादा वीडियो नहीं मांगूंगी, विदर्भ में कौन से गांव में, कौन से क्षेत्र में घूमे, कौन से सब्जेक्ट के लिए घूमे, वो एक वीडियो उन्होंने जाहिर करना चाहिए। किसानों के बारे में तो कोई तकलीफ की एक शब्द बात नहीं की गई। किसानों की परिस्थिति आज क्या है, बेरोजगारी पर एक शब्द बोले नहीं कि इतने रोजगार देने के लिए, हम हाथों को रोजगार देने के लिए ये सरकार बनी है। 2019 के बाद 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है मेरे महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका डाटा उनके डिपार्टमेंट ने और मुख्यमंत्री ने देना चाहिए, कितने युवकों को, कितने बेरोजगार हाथों को उन्होंने रोजगार दिया ये बताना चाहिए उन्होंने। वो बोलते हैं हाथों को रोजगार दिया, कौन से हाथों को रोजगार दिया? 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के बाद महाराष्ट्र में 3 टाइम ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ी है। और कल संभाजी महाराज की दिन था, अभिवादन जयंती थी, अभिवादन करना क्या दिन था। और औरंगजेब के कब्र पे जाकर जिन्होंने फूल चढ़ाए, पूरी महाराष्ट्र की एक, उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रखेंगे, और उस मंच पे बोलते हैं कि संभाजी नगर रखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे ही एजेंडे में था और तुम ही आज बोलते हैं उसकी क्या जरूरत थी। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 370 हटाने के लिए जब आदरणीय बाड़ा साहब ठाकरे ने अपना विचार रखे थे मोदी जी के सामने कि 370 हटनी चाहिए और कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो सपना पूरा मोदी जी ने किया। और आप छोटा सा काम, मुख्यमंत्री हैं, नगर बदल सकते नहीं, इतने लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अपनी विचारधारा से बहुत अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि औरंगाबाद को अगर संभाजी नगर कर दिए तो बाकी पक्ष हमसे बाजू में हटकर वो दूसरी राह पकड़ लेंगे, यही डर रह गया सिर्फ तुम्हारे मन में। कल एक एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संकट मोचन जी का गदा हाथ में दिया, देने की कोशिश की तो हाथ लगा के अनटचेबल जो होता है उस तरीके से उन्होंने हाथ लगाया और टर्न करके चले गए। वो वीडियो क्लिपिंग निकाल के आप देखिए, जो शास्त्र लेकर पूरे देश में संकट मोचन जी ने जो हमारे लिए लड़ाई की, वो शास्त्र को हाथ ना लगाते हुए, उसे अवॉइड करते हुए टर्न करके हाथ, कभी भी जब गदा हाथ में देते हैं तो हाथ में लेकर उसका सम्मान किया जाता है और उसके बाद दूसरे के हाथ में सौंपा जाता है। ये हमारी कल्चर है, उसका अपमान,